आज हम आपको फिर एक कहानी सुना रहे हैं कालका तपोवन की, एक सफल प्रोजेक्ट जो 2011 में जिसका सपना देखा गया था। आज ये सारे पेड़ बड़े हो गए हैं, बहुत लंबा क्षेत्र है, 500 बीघा का हमको परमिशन थी, पर्यावरण सुरक्षा संस्थान सिरोही ने इसका बीड़ा उठाया था, बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोगों की भावना जुड़ी और देखते देखते समय गुजरता गया, संघर्ष भले ही बढ़ता गया लेकिन जो सफलता मिली वो अवर्णनीय है, वो आनंद देने वाली है, वो संतोषप्रद है और वो उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं आज मैं आपको कालका तपोवन की एक सक्सेस स्टोरी जिसके बारे में मैंने अनेक बार चर्चा की है, लेकिन फिर इस चर्चा पर मैं गायत्री परिवार के साथ आया हूँ। देखिए गायत्री परिवार ने भी उस वक्त अपने भाव प्रकट किए थे। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत वन है जिसको कभी कालका वन का नाम दिया था, फिर कालका तपोवन बना और ये कालका वन से कालका तपोवन बनने की कहानी बहुत अद्भुत है। मैं आया हूँ इस कालका तपोवन में। वृक्ष लगाना और वृक्षों को बड़ा करना, ये दोनों कार्य सच में कठिन है। ये एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष का जोड़ा है, हालांकि थोड़ा दूर दूर लगाया था, संभवतः ये नज़दीक रहता होगा। इस कालका तपोवन में कल्प वृक्ष से लेकर नीम नारायण से लेकर और इमली से लेकर, ये गुजराती इमली है, दो बड़ी हो गई है, और ये एक बबूल, अंग्रेजी नहीं देसी बबूल जिसको हम कीकर कहते हैं, हम चाहें तो हमारे गोचरों में अंग्रेजी बबूल की जगह देसी बबूल लगा सकते हैं जिसको हम कीकर कहते हैं। और कीकर का संपूर्ण कीकर उपयोगी है, उसकी पत्तियां, उसकी लकड़ियां, उसके फल और उसकी संपूर्ण जो उपयोगिता है वो बहुत कमाल की है। ये कालका तपोवन है साहब। फिर वृक्षारोपण का दौर चल रहा है, नगर परिषद अपना काम कर रही है, नगर परिषद वृक्षारोपण कर रही है, बहुत सारे सामाजिक संगठन वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर भी रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं ये पूरे कालका तपोवन को आप देखोगे तो आप आनंदित हो जाएंगे साहब। ये संपूर्ण क्षेत्र बहुत कमाल का है। देखिए सिरोही साक्षी है इस बात का कि यहाँ एक भी नीम नहीं था, एक भी सिंगल नीम नहीं था, एक भी गुजराती इमली नहीं थी। इतिहास साक्षी है, सिरोही साक्षी है, हम सब साक्षी हैं, यहाँ पर केवल और केवल अंग्रेजी बबूल था जिसका कोई उपयोग ही नहीं है साहब, जिसका उपयोग मात्र जलाने के काम आता है और उसमें इतने कांटे होते हैं कि उसको जलाने से भी लोग डरते हैं। उसको हटाया और उसकी जगह देसी वृक्ष लगाए। आप देख सकते हैं यहाँ जो अब घास होती है अगले 4 महीने तक वो बहुत काम की होती है साहब, वो इतने काम की होती है कि अब होना ये चाहिए। मैं एक बात आज लगते हाथन कह देता हूँ साहब, अगर नगर परिषद सिरोही ये सोचता है कि हमको वृक्षारोपण करना है, और सोचना चाहिए, सोचता है नहीं सोचना चाहिए, हमारे आदरणीय सभापति जी अगर सच में वृक्षारोपण की बात करते हैं, बात अच्छी लगे बुरी लगे, अगर सच में वृक्षारोपण की बात करते हैं तो एक और कालका तपोवन बना देना चाहिए। अर्बुदा गौशाला के आगे नगर परिषद इसको बनाए, नगर परिषद भामाशाहों को जोड़े और अंग्रेजी बबूलों की सफाई चुकी हो चुकी है 1000 बीघा में, उस जगह पर अगर देसी वृक्ष लगा दे। आप देखिए अगर मैं यहाँ थोड़ी देर खड़ा रहूँगा ना तो सच में मुझे बड़ी शांति मिलेगी। बहुत कमाल का ये डेवलप हुआ है कालका तपोवन। अब देख सकते हैं
मैं इसकी, देखिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब, ये देसी वृक्ष हैं, ये अर्जिया, कुमटिया, हिंगोटा बेर, ये चार तरह के वृक्षों को छेड़ा नहीं है, ये अपने, ये भी अपने यौवन पे आ गए, इनमें भी फल आएंगे, ये कोई नुकसान नहीं करते प्रकृति को, बल्कि प्रकृति का श्रृंगार करते हैं ये। इस पूरी कहानी पर कितना भी बोला जा सकता है, ये कालका तपोवन की एक सफल कहानी है। यहाँ सच में बहुत मुश्किल काम था, लेकिन जब संकल्प होता है, जब साधना होती है, जब तपस्या उसमें मिल जाती है, और जब सहयोग मिलता है किसी अच्छे भामाशाह का, तो ये सफलता हमको दिखाई देती है। ये बड़े बड़े पेड़ इस बात को बयां कर रहे हैं कि हमारे ऊंचमा राम गराशिया की कठोर मेहनत, इसके परिवार की मेहनत, हमारे आदरणीय पंकज जी गांधी साहब का आर्थिक सहयोग, बहुत सारे लोगों की भावना, और इसके कारण जो ये सफलता मिली है, इसके लिए